के वजीर आजम ऐवान से चले गए। वजीर आजम का पार्लियामेंट के मुश्तरक इजलास से खिताब मंसूख कर दिया गया है। आपको बताएं कि वजीर आजम ऐवान से चले गए। वजीर आजम का पार्लियामेंट के मुश्तरक इजलास से खिताब मंसूख कर दिया गया। वजीर आजम ने अब से कुछ देर बाद खिताब करना था जो कि अब मंसूख कर दिया गया है। वजीर आजम ऐवान से चले गए। वजीर आजम का पार्लियामेंट के मुश्तरक इजलास से खिताब अब मंसूख कर दिया गया है। वजह क्या है ये सामने नहीं आ सकी। वजीर आजम ऐवान से चले गए। वजीर आजम का पार्लियामेंट के मुश्तरक इजलास से खिताब मंसूख कर दिया गया है। पार्लियामेंट का मुश्तरक इजलास जारी है और मुख्तलिफ अराकीन की जानिब से इजहार ख्याल भी इस मौके पर किया गया। मुख्तलिफ बिल्स जो हैं वो पेश किए गए इस मुश्तरक इजलास में। कानून साजी की गई और ये तय था कि वजीर आजम ऐवान से खिताब करेंगे, ताहम पार्लियामेंट के मुश्तरक इजलास से उनका खिताब मंसूख कर दिया गया है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अवैस बताएगा क्या वजह बनी वजीर आजम के वापस जाने की। जी बिल्कुल, वजीर आजम इमरान खान जो है आपसे कुछ देर पहले अपने चैम्बर में आए और चैम्बर से ही जो है अपने जो गाड़ियों में प्रोटोकॉल में जो है वो पार्लियामेंट से ही रवाना हो चुके हैं। बहुत ही अहम बात है क्योंकि तमाम जो अरकान है, इत्तेहादी जो अरकान है, उनको किया था 6 घंटे से ज्यादा इमरान खान वजीर इमरान खान की तकरीर के लिए तमाम तर जो है बंदोबस्त किया जा चुका था और इस हवाले से जितने भी जो सीनियर गुजरा थे उनको भी हदायत की गई थी। अमित डोगर ने तमाम अरकान खुसूसन जो इत्तेहादी अरकान है, मिनिस्टर्स हैं, जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, उनको कहा था कि आप लोगों ने किसी तौर पर भी नहीं जाना। लेकिन ये उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब इमरान खान ने एकदम जो है वो जाने का जो है इरादा किया और कानून साजी चल रही थी कि वो अभी 3 बिल जो है वो रहते थे कि उससे पहले ही इमरान खान जो है वो ऐवान से निकले और अपने चैम्बर से होते हुए अपनी गाड़ी में बैठ के जो है वो निकल चुके हैं और हम आ रहे हैं कि उनका जो सूरत हाल है तमाम जो आज जो एक अहम तकरीर क्योंकि जो हमारी वजरा से बात हुई थी जो सेक्रेटरी ऑफिस कहना था कि आज वजीर आजम इमरान खान मशीनों और ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए उन्होंने अपनी तकरीर में खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना था और उनके लिए एक मुबारकबाद देनी थी। एक तमाम जो तकरीर है उनकी तैयार की गई थी। फवाद चौधरी ने तमाम टॉकिंग पॉइंट्स और दीगर जो मामलात हैं वो जो है किए गए थे, लेकिन अचानक जो है वजीर आजम इमरान खान ने अपना इरादा बदला और उन्होंने मुश्तरक इजलास में होने वाली जो कानून साजी के बाद जो उन्होंने तकरीर करनी थी जिसका बाकायदा तौर पर हमें पीएम ऑफिस से जो है जो इन्विटेशन भी मशहूर हो गया था कि वजीर आजम इमरान खान जो है वो तकरीर करेंगे आज सेशन के बाद जो है जो ऐवान के अंदर ही, लेकिन वो तमाम तर चीजें जो है वो मंसूख हो चुकी हैं और वजीर आजम इमरान खान अपॉइंटमेंट से जो अपोजिशन बेंचेस पे जो लोग बैठे थे, अपोजिशन लीडर जो बैठे थे और जो दीगर, उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई। अपोजिशन की तरफ से स्ट्रेटेजी थी कि वजीर आजम इमरान खान को तकरीर नहीं करने देनी और जो एहतजाज है वो अपना रिकॉर्ड करवाना है। यही वजह है कि टॉक के बाद दोबारा जो है वो जो पार्लियामेंट में ठीक तो हैरान कन तौर पर वजीर आजम का ये खिताब मनसूख हो गया है। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी तफसीलात से आगाह।